ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर कथा के 6ठे दिन कथा व्यास जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज ने व्यास पीठ में कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ हैं। इन दोनों का नाम लेने से सभी 24 अवतारों का स्मरण हो जाता है। दिन में भी चंद्रमा दिखता है और सूर्य के प्रकाश के आगे चंद्रमा का प्रकाश ना के बराबर होता है, परंतु रात्रि में चंद्रमा का ही महत्व होता है। सूर्य और चंद्र दोनों का समान महत्व है। राम सूर्य हैं तो कृष्ण चंद्र हैं। राम दिन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कृष्ण रात का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दिन रात दोनों को मिलाकर दिवस पूर्ण होता है। इसलिए श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लेने से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कथा व्यास ने कहा कि जब भी हम माया से जुड़ते हैं तो हम हरि से अपना नाता तोड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि राम में लगन मत तोड़ो, उनका भजन निरंतर करते रहो। भगवान सबसे बड़े शासक हैं। भगवान कभी अहंकार नहीं दिखाते। वह ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, तभी उनके मित्र मनसखा सामने रखे लड्डू को मुंह में डाल लेता है। सोचता है भगवान कृष्ण तो नंद जी के लड़के हैं, वह मुंह में से निकालेंगे नहीं, जूठा खाएंगे नहीं, मैं अकेले खा जाऊंगा। पर भगवान तो भगवान है, वह मनसुखा को हंसा करके उसके मुंह से लड्डू निकाल कर खा जाते हैं। क्योंकि मनसखा भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है, यह देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है कि भगवान हो करके भी एक व्यक्ति का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को अहंकार होता है तो भगवान उनके भी अहंकार का शमन करते हैं, उन्हें आभास दिलाते हैं कि भगवान तो भाव का भूखा है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ही पाठशाला है, संपूर्ण जीवन ही पढ़ाई है। हम सभी को अपने आप को छात्र के रूप में ही समझते हुए जीवन भर अध्ययन करते रहना चाहिए। हर किसी से जहाँ भी अच्छी सीख मिले हमें सीखना चाहिए। जो जीवन पर्यंत सीखता है वही अपने जीवन में सफल होता है। हर व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति कुछ विशेष ज्ञान रखता है। गांव के किसान अनेक प्रकार की औषधियों के ज्ञाता होते हैं क्योंकि वह प्रकृति के अत्यंत करीब होते हैं। कथा व्यास ने कहा कि जो मनुष्य कृष्ण रूपी रसायन का पान करता है उसे अन्य किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होती, उसके संपूर्ण रोग व्याधियों का नाश हो जाता है। रसायन उसे कहते हैं जो रोग और बुढ़ापे को दूर रखता है। कथा का समापन आरती एवं महाप्रसाद के वितरण के साथ हुआ। अनंतस्त्री समलंकृत गोरक्ष पीठाधिपति पूज्य श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज के अनंतश्री समलंकृत श्री गोरक्ष पीठाधिपति पूज्यपाद श्री अवैधनाथ जी महाराज के गोरक्ष पीठाधिपति पूज्यपाद श्री योगिराज महाराज के भाई राम के भजनिया श्याम के भजनिया करला तो बामन के भजनिया नरसिंह के भजनिया परशुराम के भजनिया काहे ना करला। दुविये के भजन करे के बाका, खाली राम जी के कृष्ण जी के भजन करे के बाका। बोले हाँ। बोले काहे? बोले देखी भाई 24 अवतार बा, 24 अवतार बाटे बड़ुए। भोजपुरी बड़ी समृद्ध भाषा है, पहले ही कहा था। तो 24 अवतारों में अगर एक एक अवतार के लिए एकों एक घंटा पूजा करने के लिए, सुप्रभात करने के लिए, स्नान कराने के लिए, चंदन लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए, फिर आरती करने के लिए दिया जाएगा तो 24 घंटा तो यही तरी बीत जाए। तब कब खाई, कब सूतब, कब जाग, कब नहाई, कुछ करे के ब्योते ना लगी, कुछ करे के मौके ना लगी है। बरियार समस्या बढ़ुए नु, तब का करे के? तो बोले देखी भाई 24 घंटा नु होला, एक दिन में एक रात में दोनों मिला के कितना होला? 24 घंटा। ये तो रवा सभी जनते हो खब,
24 घंटा, तो 24 घंटा के दुए चीज में लोग कह देला, 24 चीज में ना कहला। हौ दू चीज में का कहला? दिन रात, भर रात दिन, यह न कहला। तो जैसे 24 घंटा दिन रात में कह दिहला पे पूरा हो जाला, वही तरी 24 अवतार राम और कृष्ण कह दिहला पे पूरा हो जाला। होला कि ना होला? ना करिला राम के भजनिया, करिला राम के भजनिया, ओ करिला करिला श्याम के भजनिया। कल संतरणोपनिषद का अंतिम मंत्र क्या है? तो हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही मंत्र है। इसी से हमारा सब काम हो जाता है। तो हरे ले हरे लाश्याम के भजनिया, तोड़ी तोड़ी माया जोड़ी, हरी जी से नाता जोड़ी, तोड़ी देला जिसे लगनिया। तो जिसने 100 लोगों को मरते हुए देखा है वो वैद्य है, और जिसने 1000 लोगों को मरते हुए देख करके उनके लक्षणों को देखा है, मरने के महीने भर पहले से जो देखा है चरक संहिता में, तो 20 वर्ष पहले से ही मरने के लक्षणों का वर्णन किया गया है कि अगर ये लक्षण हो तो उसकी 20 वर्ष बाद मृत्यु होगी। इसलिए सावधान वैद्य को चाहिए कि उस लक्षण को दूर करने की चिकित्सा करें, तभी दीर्घ जीवन प्राप्त होगा। 20 वर्ष पहले से ही मरने के लक्षण, 6 महीने साल भर, यहां बायनाकुलर होता है ना, यहां दूरबीन होता है। आप अपने इस पंजे को अपने सिर पर रखिए और अपने सिर पर रख करके इसको देखिए, देखने पर अगर ये कन्नी उंगली से भी ज्यादा पतला दिखाई पड़ने लग जाए, या सामने वाली किसी चीज को देखिए इसको रख करके, तो ये बाल से भी ज्यादा पतला ये आपका हिस्सा दिखाई पड़ेगा। समझ लीजिए कि अभी आपको साल भर मरने की जरूरत नहीं है। ये रास्ता बताए, आप खखार करके थूक रहे हैं और वो आपका कफ पानी में डूब जा रहा है, तो समझ लीजिए कि अब आपको 6-8 महीने के अंदर जाने के लिए मन बना लेना चाहिए कि अब हमको जाना है। आप मत्थे में तिलक लगाए हैं और ये तिलक सूख नहीं रहा है, हरदम कुछ भी करने पर मटमैला ही मटमैला बना रह जा रहा है। ये सारे सिम्टम्स आयुर्वेद शास्त्र में बताए हैं। चरक संहिता में इंद्रिय संस्थान अध्याय है, उसे में इन सब चीजों का वर्णन किया है। वैद्य के सामने कोई रोगी के घर का व्यक्ति आया है और वह रोगी के घर का व्यक्ति वैद्य से बात करते समय ऊपर की तरफ ही ज्यादा देख रहा है, तो वैद्य को चाहिए कि वैद्य पहले ही बोल दे कि मैं उनकी चिकित्सा नहीं कर पाऊंगा। वो पुष्पित रक्षण के नाम से आयुर्वेद शास्त्र में, अरिष्ट योग के नाम से भयभीत घबराया हुआ, फिर भी वैद्य जाते हैं वहां, जान जाते हैं कि हां
लक्षण अरिष्ट योग है, लेकिन हमें जाकर के उस रोगी पर रिसर्च करना है, उसका अध्ययन करना है। जितने मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसमें रोगी भर्ती होते हैं, उन रोगियों पर डॉक्टर रिसर्च ही तो करते हैं, अनुसंधान ही तो करते हैं। तो लक्षण चरक संहिता में ऐसा है, आप लोग और कुछ पढ़ो चाहे न पढ़ो, लेकिन उसका इंद्रिय संस्थान अध्याय जरूर पढ़ लो चरक संहिता का, उसमें बहुत से लक्षण लिखे हुए हैं। ये मालूम हो जाएगा कि हाँ अब जाना है तो सब काम जो तुमको सलटाना है, जिससे कोई विवाद वगैरह पैदा न होने पावे। भाई हम लोगों के यहाँ तो उत्तराधिकारी नहीं निश्चित किया तो लड़ाई झगड़ा बाद में होने का प्रसंग, तो पहले बना बना करके चले जाओ। शास्त्रों का अध्ययन इसीलिए किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कोई लफड़ा न होने पावे। हम जान गए, अब जान गए तो हम अपने मन को भगवान में ही लगाओ, अब दवाई ववाई के चक्कर में न पड़े। देवराज इंद्र का मानवर्धन किया, 7 दिनों तक लगातार वर्षा करते रहे देवराज इंद्र। भगवान ने सोचा कि ऐसा करूं कि एक बूंद भी ब्रज के ऊपर न गिरने पावे। दुर्वासा जी को इशारा किया, नारद जी को इशारा किया, दुर्वासा जी के पास आए। दुर्वासा जी कहे क्या है? बोले एकादशी का उद्यापन करने के प्रसंग में द्वादशी को भंडारा दिया था, आपको पार्वती जी ने भोजन कराया था, 1200 ऋषि महर्षियों के समान आपने भोजन किया था, तो भोजन के बाद पानी पीने के लिए आपने इच्छा जाहिर की थी ना? बोले हाँ। तो बोले उस समय क्या आकाशवाणी हुई थी? बोले उस समय आकाशवाणी हुई थी कि भोजनांते विषमवारी द्वापरांते मिलिष्यति। भोजन के अंत में जा रहे पानी, द्वापर में जाकर के पानी मिलेगा। तो बोले चलो योग बल से अपना मुंह फैला लो ब्रज के ऊपर, सारा पानी आपको मिलेगा, बढ़िया डिस्टिल्ड वाटर आ रहा है, बिल्कुल प्यूरिफाइड, बिस्लरी भी फेल है उसके सामने। हाँ बोले हाँ, आए दुर्वासा जी। सारा पानी उनके मुंह में चला गया, सब पी गए। यह आख्यान है। दूसरा आख्यान है, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, वो मडराते रहे, रोटी सेंकते समय तबे पर एक बूंद पानी पड़ जाए, छन्न से जैसे गायब, उसी तरह सब गायब। हफ्ते भर बाद इंद्र आए, सोचे कि अब डूब रहे होंगे, उतरा रहे होंगे ब्रज में, लोग चलेंगे देखेंगे, नहीं होगा तो यही हेलीकॉप्टर से भोजन का पैकेट फेंकेंगे, ये सोच करके आए। लेकिन यहां देखा तो धूल उड़ रही थी ब्रज में। बेचारे आए कामधेनु को साथ में लेकर के भगवान के सामने, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर भूल कुटी की नाई, भूतल पर भूल कुटी की नाई। बंधुओं सरेंडर कर दे। सोचो ब्रह्मा जी से तो भगवान ने बातें भी नहीं की, लेकिन देवराज इंद्र जब साष्टांग किए तो भगवान ने कहा आओ आओ दोस्त आओ आओ। इंद्र ने सोचा हूटिंग कर रहे हैं भगवान हमारी। बोले गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले अरे गलती क्या हो गई, तुमने तो मेरी लॉटरी खोल दी। बोले अरे महाराज आप क्यों ऐसा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने अपराध किया। बोले अपराध क्या किया? यहाँ पर जी के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं अपने घर की ग्वालिनों से गोपियों से हमको मिलने नहीं देते थे, ब्रज किशोरियों से हमको मिलने नहीं देते थे, अनुशासन ऐसा था। बोले तो महाराज? बोले अरे क्या कहूँ, तुमने तो ऐसा काम कर दिया कि मैंने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उतना ही लंबा चौड़ा गड्ढा जो हुआ वह गड्ढा सब ग्वाल बाल जो है उसमें प्रवेश कर गए, वो अंडरग्राउंड हॉल हो गया। क्या हो गया? अंडरग्राउंड हॉल। और उस अंडरग्राउंड हॉल में
ब्रज के वो सब आ गए जिनसे बूढ़े बुजुर्ग मिलने भी नहीं देना चाहते थे, नजर एकदम तिरछी करके रखते थे, पहरेदारी बहुत ज्यादा होती थी। और उनके साथ एक हफ्ते लगातार वीकली कल्चरल प्रोग्राम चलता रहा, 7 दिन तक लिए थे ना तुमने, तो भाई हमारे प्यारे लोगों को मिलाया हमसे। ब्रह्मा जी से तो मैंने इसलिए बात नहीं की कि हमारे यार दोस्तों को हमसे साल भर दूर रखा, ग्वाल बालों को, इसलिए मैंने नहीं बात की, लेकिन तुम तो हमारा बड़ा सहयोग किए भाई। कामधेनु और इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया और उसके बाद भगवान को गोविंद की मानद उपाधि, जैसे मुख्यमंत्री जनों को, प्रधानमंत्री जनों को विश्वविद्यालय अपने यहां से डीलिट पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान करता है, उसी प्रकार गोविंद की मानद उपाधि प्रदान किया। कहा वस्तुतः गोविंद आप हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ईश्वरदेव जी महाराज की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि। माटी का तन है तेरा, मन को हरता जाए हो, मन ये चाहे तरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, तरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी।